हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को अप्लाई प्रोसेस देखने वाला हूँ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में बीएड एडमिशन अगर लेना चाहते तो गाइस ये वीडियो आपके लिए पूरा हेल्पफुल होने वाला है। गाइस, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में बीएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करना है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में देखाने वाला हूँ। गाइस, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे लिंक बटन पर क्लिक करते गाइस डायरेक्ट स्टेप्स इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर बीएड कॉमन एंट्रेंस, यहाँ पर देख सकता हूँ लास्ट डेट होने वाला है 2 जुलाई 2024 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा अभी एडमिशन चल रहा है। अगर MBA वगैरह आप एडमिशन लेना चाहते हो 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है आप लोग को। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा, यहाँ पर आप लोग को CUREET, आप लोग को PGET, आप लोग को यहाँ पर कोर्स कर सकते हो। यहाँ पर लास्ट डेट अवेलेबल है। तो लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को अप्लाई प्रोसेस देखने वाला बीएड एडमिशन कैसे लेता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो सिंपली से ये लिंक नीचे जैसे लिंक बटन पर क्लिक करते गाइस यहाँ पर देख सकते हो क्लिक हेयर बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना। गैस जैसे क्लिक हेयर बटन पर क्लिक करते गैस इस तरह का इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर आप सब सब आप देख सकते हो गैस, यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पर 2024 का होने वाला है। यहाँ पर पहले मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना, उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेना। गैस तो चलो गैस आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका मोबाइल नंबर डाल देना। गैस वीडियो स्टार्ट करने से पहले गैस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो हमेशा देने को भी मिलता रहेगा। तो चलो गाइस मैं फटक से डाल लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेना। गाइस जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरह का इंटरफेस देने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा यहाँ पर आप लोग को फॉर्म खुल के आ जाएगा गाइस। तो गाइस इसलिए आप लोग को ज्ञान से फिलअप करना होगा गाइस, इसलिए आप लोग को वीडियो एंड तक देखते रहना। अगर स्किप करोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक बार सबमिट करो दो बार से भी कलेक्शन ऑप्शन नहीं मिलेगा गाइस। तो फिलअप करने के लिए गाइस यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले आप लोग को कैंडिडेट का है फर्स्ट नेम आप डाल देना, उसके बाद आपका क्लास 10 के डॉक्यूमेंट के हिसाब से मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते, उसके बाद लास्ट नेम डाल देना, उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट ईमेल आईडी नंबर डाल देना। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्टार मार्क, आप देख सकते हो जो वाला स्टार मार्क ही आप लोग को फिलअप करना मैंडेटरी है। तो उसके बाद फादर नेम डाल देना, फुल नेम, उसके बाद मदर नेम, पेरेंट मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डालना जरूरी यहाँ पर क्योंकि स्टार मार्क है देख सकते हो। उसके बाद पेरेंट ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो क्योंकि स्टार मार्क नहीं है। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, जो भी आपका जेंडर है मेल एंड फीमेल है अप्लाई कर सकते हो, आप लोग को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना गाइस। उसके बाद जो भी आपका कैटेगरी का साल है यहाँ पर आप लोग को JPG फाइल में अपलोड करना होगा गाइस। उसके बाद सबका क्या है ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है, जो भी आपका रिलीजन है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका रिलीजन, अगर इसमें अगर आपका रिलीजन नहीं तो अदर्स बटन पर क्लिक करके जो भी आपका रिलीजन यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। गाइस नेशनलिटी यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट, अगर आप असम में बिलोंग करते हैं असम यहाँ पर ऑटोमेटिकली रहेगा, अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो गाइस अदर बटन पर क्लिक करके आपका स्टेट का नाम डालना, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आर यू डिफरेंटली एबल, अगर है तो येस और नो कर सकते हो। उसके बाद डू यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी, अगर आप EWS कैटेगरी में बिलोंग करते तो येस और नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सेफ पर्सनल डिटेल बटन पर सेव कर लेना गाइस। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डालना होगा गाइस, यहाँ पर आप लोग को एड्रेस डाल लेना, हाउस नंबर से भी आप डाल सकते हो, वार्ड नंबर, विलेज नेम, यहाँ पर विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट क्या है, कंट्री आप लोग को पता है दोस्तों, कंट्री इंडिया। उसके बाद आपका एरिया का पिन कोड का नंबर 6 डिजिट का नंबर डाल लेना। अगर आप परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम में बिलोंग करते हो तो गाइस यहाँ पर सिंपली से इस बार चेकबॉक कर लेना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप लोग को सारे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सिंपली से आप लोग को सेफ एड्रेस बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। उसके बाद अभी क्वालिफाई यहाँ पर आप लोग को यूनिक आइडेंटिटी डिटेल डालना होगा, मतलब क्लास 10 का यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना होगा गाइस, यहाँ पर क्लास 12 का रोल नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्लास 10 का मार्कशीट सीरियल नंबर होता है आपको डाल देना, आपका मार्कशीट में चेक कर लेना, मार्कशीट में सीरियल नंबर होता है आपको डाल देना। उसके बाद क्लास 12 में भी यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देना। उसके बाद सिंपली से सेफ यूनिक आइडेंटिटी बटन पर सिंपली से क्लिक करके आप सेव कर लेना। बात आती है गाइस यहाँ पर आप लोग को प्रेवाइस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देते हैं, मतलब आप प्रेवाइस डिटेल का मतलब आपका क्लास 10-12 का डिटेल है, क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पर बारना चाहते तो बार सकते, इसमें ऑप्शनल दिया गया है। यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करके और ऐड कर सकते हो क्लास 11-12 डिटेल का, यहाँ पर क्योंकि स्टार मार्क नहीं इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर आप डाल सकते हो 10-12 डिटेल का आप भर सकते हो। अगर इसमें नहीं है तो अगर आपके पास नहीं तो देख सकते हो अपियरिंग स्टूडेंट आर आस्क्ड टू फिल 0, जो लोग अपियरिंग कैंडिडेट है वो लोग के लिए अगर इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग को 0 करके इस तरफ से आप लोग को फिलअप कर सकते हो, वो तो आपको मैटर करता है। बात आती है गाइस यहाँ पर ग्रेजुएशन मार्क, ग्रेजुएशन मार्क डिटेल में इसमें तो डालना जरूरी है क्योंकि स्टार मार्क है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो।
यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम मार्क इन मेजर सब्जेक्ट क्या है, मैक्सिमम मार्क डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्क ऑप्टेन कितना है, यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम मार्क इन जनरल सब्जेक्ट में क्या है, ऑप्टेन मार्क क्या है। उसके बाद सेव एज बॉटम पर क्लिक कर लेना। अगर आप अपीयरिंग टू देने तो देख सकते हो अपीयरिंग टू देना मार्क्स टू, अगर आप अपीयरिंग टू देने तो सिंपली यहाँ पर आपको 0-0 करके इस तरफ से आपको डाल सकते हो। तो बात आती है गाइस यहाँ पर कोर्स अप्लाई, आप लोग को देख सकते हो कोर्स अप्लाई मतलब कौन सी कोर्स के लिए आप हमने अप्लाई किया, बीएड कोर्स है ना, तो आप लोग को फास्ट में बीएड कोर्स आप लोग को सिलेक्ट करके यहाँ पर एड बटन पर आप क्लिक कर लेना गाइस। तो इस तरह से देख सकते हो जैसे एड बटन पर क्लिक कर सेव हो चुका है, ओके बटन पर क्लिक कर लेना, देख सकते हो सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग को सेव कर लेना गाइस। बात आती है गाइस यहाँ पर आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम सेंटर के लिए कौन सा जगह में एंट्रेंस एग्जाम सेंटर लेना चाहते हो। यहाँ पर आप लोग को जितना सेंटर लिए जाएगा, बोंगाईगांव, बारपेटा, विश्वनाथ, चारियाली, धूपगढ़, डिब्रूगढ़, ग्वालपाड़ा, गुवाहाटी, जोरहाट, लखीमपुर, मंगलदोई, मोरीगांव, नागन, नलबारी, पाठशाला, रंगिया, तेजपुर आपको देने को मिलेगा। तो चलो गाइस मैं गुवाहाटी ही में ले लेता हूँ एग्जाम सेंटर। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिफरेंस वन और टू, मतलब प्रिफरेंस वन और टू आप लेना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। चलो गाइस मैंने वन सेलेक्ट करा, उसके बाद एड बटन पर क्लिक करते इस तरफ से देख सकते हो सेफ हो चुका है। तो इस तरफ से आप लोग को सेव करना। तो बात आती है यहाँ पर फोटो ऑन सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा और यहाँ पर आप लोग को सिग्नेचर फोटो ये साइज देख सकते हो। यहाँ पर ओनली जेपीजी फाइल में साइज मैक्सिमम है 500 KB बीच में अपलोड करना होगा। फोटो कैसे अपलोड करना है मैं आप लोग को वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सिंपली से आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो चूज फाइल बटन पर क्लिक कर लेना, पहले आप लोग को फोटो सेलेक्ट कर लेना गाइस। सो गाइस देख सकते हो फाइनली फोटो का इमेज है यहाँ पर आप देख से आ चुका है, लेकिन अभी फाइनली अपलोडेड नहीं हुआ है। तो इमेज आने के बाद गाइस सिंपली से अपलोड बटन पर क्लिक करके अपलोड बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। अभी देख लेना गाइस देख सकते हो अपलोडेड हो चुका है, ओके बटन पर क्लिक कर लेना। तो गाइस देख सकते हो फाइनली है फोटो इस तरफ से अपलोड हो चुका है। तो इस तरह का सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना अपने हिसाब से। और यहाँ पर आईडी प्रूफ, एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप लोग को लाइक आप लोग को क्लास 10 का एडमिट कार्ड भी आप अपलोड कर सकते हो गाइस। यहाँ पर भी हम लोग को मैक्सिमम आप लोग को देख सकते हो जेपीजी फाइल में 500 KB के बीच में। और यहाँ पर आप लोग को फाइनल लास्ट ईयर सेमेस्टर का मार्कशीट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पर। तो उसका बाद तो चलो गाइस आपने भी आपको हिसाब से सारी फिलअप कर लेना। तो चलो गाइस मेरे फाटक से सारी डॉक्यूमेंट वगैरह मैं अपलोड कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने फिलअप कर दिया गाइस। अच्छा से पहले आप लोग को चेक कर लेना गाइस, क्योंकि एक बार सबमिट करो दो बार से भी कैंसिलेशन ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोग को अच्छा से चेक करने के बाद पूरा अगर सही है तो गाइस सिंपली से आप लोग को सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना। इस तरफ से आ जाएगा देख सकते हो, इसमें आर यू श्योर टू सबमिट नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड, इसमें साफ साफ बताएगा, क्योंकि एक बार सबमिट कर दो बार से कैंसिलेशन ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें साफ साफ बताएगा। पूरा सही तो ओके बटन पर क्लिक करना इस तरफ से ओके बटन पर। तो चलो गाइस मैंने एंटर नहीं किया है। तो गाइस देख सकते हो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो सबमिटेड सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, ओके बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे ओके बटन पर क्लिक करते गाइस आप देख सकते हो गाइस फाइनली है सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अभी सिर्फ क्या बाकी है, अभी पेमेंट बाकी है। तो पेमेंट भी यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 रुपीज मुझे पेमेंट करना है। और यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म फिलअप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ब्लर करके रखा है, यहाँ पर मेरा डिटेल वगैरह आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर सारी आपका यूजर नेम वगैरह आपका साली आ जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए पेमेंट स्टेट है, यहाँ पर 2000 रुपीज आपको डायरेक्ट पेमेंट कर लेना। तो डाउनलोड फिल फॉर्म बटन पर सिंपली से क्लिक करके आप ये प्रिंटर फॉर्म आप ले लेना। तो चलो गाइस मैं लाइव प्रूफ करके सर मैं आप लोग को डाउनलोड करके भी मैं ओपन करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो फाइनली है मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो चुका है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पर आप चेक सकते हो। तो गाइस तो फाइनली ये प्रिंटआउट फॉर्म ले लेना, जब अगर पास करोगे तो यहाँ पर आप लोग को काम में लग जाएगा। सो गाइस जब एडमिट कार्ड भी निकलेगा मैं आप लोग को इस चैनल पर मैं आप लोग को सारी प्रोवाइड कर दूंगा। और एप्लीकेशन फीस आपने भी आपको हिसाब से पेमेंट कर लेना। तो गाइस मेरा हिसाब से मैं पेमेंट कर लूंगा। तो चलो गाइस यहाँ पर वीडियो एंड कर लेते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना और ज्यादा से ज्यादा ये चैनल सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो। तो चलो गाइस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।